बॉलीवुड के दबंग स्टार सलमान खान ने अपनी नई फिल्म भारत के साथ 100 करोड़ क्लब में शामिल होकर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। सलमान की फिल्म भारत ईद के अवसर पर 5 जून को रिलीज हुई थी। उनकी यह लगातार 14वीं फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की है। भारत ने अब तक 122 करोड़ से अधिक की कमाई कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2010 में अभिनव कश्यप के निर्देशन में बनी फिल्म दबंग ने टिकट खिड़की पर 145 करोड़ रुपए की कमाई की थी। इसके बाद वर्ष 2011 में सलमान की फिल्म रेड्डी ने टिकट खिड़की पर 120 करोड़ जबकि बॉडीगार्ड ने 142 करोड़ की कमाई की थी। साल 2012 में सलमान की 2 फिल्में रिलीज हुई और दोनों फिल्मों ने 100 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। दबंग 2 ने 158 करोड़ जबकि एक था टाइगर ने 198 करोड़ रुपए की कमाई की। वर्ष 2013 में सलमान की कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई थी। वर्ष 2014 में सलमान की फिल्म जय हो ने 111 करोड़ रुपए की कमाई की जबकि किक ने 233 करोड़ का कारोबार किया। साल 2015 में सलमान की 2 फिल्में बजरंगी भाईजान और प्रेम रतन धन पायो रिलीज हुई और दोनों ही फिल्में 100 करोड़ से अधिक की कमाई करने में सफल रही। कबीर खान के निर्देशन में बनी फिल्म बजरंगी भाईजान ने 320 करोड़ की कमाई की। वहीं सूरज बड़जात्या के निर्देशन में बनी फिल्म प्रेम रतन धन पायो ने बॉक्स ऑफिस पे 207 करोड़ की कमाई की। प्रेम रतन धन पायो में सलमान ने दोहरी भूमिका निभाई थी। वर्ष 2016 में सलमान खान की फिल्म सुल्तान प्रदर्शित हुई। सुल्तान ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ की कमाई की थी। साल 2017 में सलमान खान की फिल्म ट्यूबलाइट रिलीज हुई। कबीर खान के निर्देशन में बनी फिल्म ट्यूबलाइट ने 121 करोड़ की कमाई की। वर्ष 2017 में ही सलमान खान की फिल्म टाइगर जिंदा है रिलीज हुई। टाइगर जिंदा है ने बॉक्स ऑफिस पे 340 करोड़ की कमाई की थी। सलमान की अब तक की सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों में से ये एक रही है। वर्ष 2018 में सलमान खान की फिल्म रेस 3 रिलीज हुई। रेस 3 ने 169 करोड़ की कमाई की थी। अली अब्बास जफर के निर्देशन में बनी फिल्म सलमान खान और कैटरीना कैफ की जोड़ी भारत ईद के अवसर पे 5 जून को रिलीज की गई थी। भारत ने पहले वीकेंड के दौरान 95 करोड़ से अधिक की कमाई की थी। फिल्म ने चौथे दिन करीब 27 करोड़ की कमाई की। इस तरह फिल्म भारत ने 4 दिनों में 122 करोड़ की कमाई कर ली है। उम्मीद की जा रही है कि फिल्म जल्द ही 150 करोड़ के क्लब में एंट्री कर लेगी। इस साल रिलीज फिल्मों में भारत के पूर्व उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, गली बॉय, टोटल धमाल और केसरी ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से अधिक की कमाई की है। सलमान ने फिल्म भारत में कुछ हटकर करने की कोशिश की है। फिल्म भारत न सिर्फ एक शख्स की कहानी है बल्कि इसके जरिए देश के बदलते स्वरूप और इसकी आत्मा की भी बात की गई है। फिल्म की कहानी एक ऐसे परिवार की कहानी है जो भारत पाक विभाजन में अलग हो जाता है। फिल्म भारत को ओवरसीज मिलाकर 6000 से ज्यादा स्क्रीन पर रिलीज किया गया है। यह फिल्म कोरियाई फिल्म और टू माई फादर का रिमेक है। फिल्म में सलमान खान और कटरीना कैफ के अलावा दिशा पाटनी, तब्बू, सुनील ग्रोवकर और जैकी श्रॉफ भी एक अहम भूमिका में नजर आए हैं।